पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र यानी कि पीओके में आतंकियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ है, जहां खूंखार आत्मघाती आतंकी तैयार किए जाते हैं और अपने नापाक मंसूबे लिए भारत की सीमा में दाखिल हो जाते हैं। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा है कि घाटी में आतंकियों का सफाया होने के बाद अब नए आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। चीन नेपाल ही नहीं, पाकिस्तान भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पार से घुसपैठ की हरकतों में लगातार इजाफा हो रहा है और ये हरकतें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। जी हां, लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू ने दावा किया है कि पीओके में सभी टेररिस्ट कैंप और करीब 15 लॉन्च पैड में आतंकी भरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमारी सेना ने घाटी में आतंकियों का सफाया कर दिया है और आतंकियों की कमी को पूरा करने के लिए ये आतंकवादी घुसपैठ करेंगे। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने 1 मार्च को श्रीनगर में एक्सवी कॉर्प्स की कमान संभाली है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने बताया कि पाकिस्तान ये बात हजम नहीं कर पा रहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति है और यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो रही है। पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि घाटी में भारतीय सेना के तमाम ऑपरेशन से आतंकवाद की कमर टूट गई है। वो मारे गए आतंकियों की जगह भरना चाहता है और हमें लगता है कि इन गर्मियों में घुसपैठ की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी, लेकिन कोई हमारे देश के खिलाफ हथियार उठाएगा, बुरी नीयत दिखाएगा तो उसके साथ हमारी सेना सख्ती से पेश आएगी और ऐसी किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है और ऐसे वक्त में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिशों में जुटा हुआ है। पाकिस्तान 30 साल से घुसपैठ में आतंकवादियों की मदद कर रहा है और इसी वजह से सरहद पर सीज फायर वायलेशन की हरकतें होती रहती हैं, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब मिलता है और घुसपैठ के नापाक मंसूबे फेल साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।